हम सब लोगों को किसी ना किसी चीज से डर लगता है। मुझे कुत्तों से डर लगता है, स्पाइडर्स से डर लगता है, थगेश के बाइसेप्स से डर लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी को कबूतर से डर लगता है? आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। ये है ओम, मेरा बचपन का दोस्त। ओम और मैं पिछले 20 साल से दोस्त है। हम एक ही कॉलेज में थे, हम एक ही स्कूल में थे, हम रोज एक ही स्कूल बस से जाते थे, हम एक ही बेंच पे बैठते थे एंड 4th स्टैंडर्ड तक हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। क्योंकि 4th स्टैंडर्ड में ओम ने ऐसा कुछ तो किया जिससे हमारी दोस्ती में दरार आ गई। दरार। रोज की तरह हम स्कूल में थे, लंच ब्रेक का टाइम हो गया था। मम्मी ने मुझे टिफिन में मेरा फेवरेट लेस का ग्रीन कलर का फ्लेवर दिया था। मैं उस लेस में से एक लेस निकाल ही रहा था और तब ओम ने मेरे हाथ से वो लेस छीन लिया। वो लेस छीन के भाग गया और फिर मैं रोने लगा। इसके बाद हर रोज वो ये चीज करते गया। अगले दिन से तो मैं क्लासरूम में टिफिन भी नहीं खाता था। मैं बाहर भी बैठ के अगर लेस का पैकेट खाता था ना तो ओम कहीं से तो आ जाता था और वो पैकेट लेके भाग जाता था। 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, हर स्टैंडर्ड में उसने ये चीज किया। आज 15 साल हो गए उस चीज को, 15 साल। लेकिन मैंने इस चीज का बदला नहीं लिया। लेकिन अभी कुछ ही दिनों में है ओम का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस बार ओम का बर्थडे हैप्पी नहीं होगा क्योंकि YouTube इंडिया का बिगेस्ट प्रैंकस्टर सैडली तेरा बेस्ट फ्रेंड है। देखो, हम सब लोगों को फोबिया होते हैं। आप बताओ कमेंट्स में आपको किस किस चीजों से डर लगता है। लेकिन क्या आपको मालूम है ओम किस रुको बताता हूं। लेकिन क्या आपको मालूम है ओम किससे डरता है? कबूतर। Do you guys have any phobia? किसी चीज से डर लगता है आप लोगों को? I have a phobia of pigeons, of birds, but I have this phobia that they'll fly straight into my face. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Om. देखो, मैंने ओम के लिए कितना अच्छा गिफ्ट लाया है। आई होप उसको पसंद आएगा। मैंने ये करता नहीं। हम ये सब कुछ रोक सकते थे अगर 15 साल पहले तूने मुझसे वो लेस छीना नहीं होता तो। तब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे तेरा बर्थडे एकदम धमाकेदार मनाने का है। धमाकेदार। देखो, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको एक कबूतर दूंगा, मजा नहीं आएगा यार। बेस्ट फ्रेंड। इसलिए मैं इस गिफ्ट के साथ उसको सरप्राइज करने वाला हूँ 10 असली कबूतर के साथ। तुम लोग को मालूम है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई एसीबी सर को वीडियो में लाया मैंने, कबूतर को तो ला ही सकता हूँ। मैं ना अभिरूप को फोन कर रहा हूँ। अब तक अभिरूप ने मुझे बहुत सारे प्रैंक्स करने में मदद की है। सांप, टर्टल, हेलो। अरे मैं अभी फिलहाल एक रेस्क्यू के ऊपर आया हूँ, तुमको बाद में कॉल करूँ क्या ये रेस्क्यू खत्म करके? अरे बट मेरा भी तेरे साथ अर्जेंट काम था। सुनना, एक काम करना, मेरे को लोकेशन भेज, मैं आता हूँ उधर। ठीक है, चलो चलो मैं तुमको लोकेशन भेज रहा हूँ, फटाक से आ जाओ। बहुत मस्त सांप है ना, मैं तुमको कॉल करता हूँ। बाय बाय। आपने सुना, अभिरूप रेस्क्यू पे है, मैं भी जा रहा हूँ। आई होप मुझे रेस्क्यू ना करना पड़े। अभिरूप, मैं तेरी आज हेल्प करेगा रेस्क्यू करने में। अगर मैंने रेस्क्यू करने में तेरी हेल्प की तो तू मेरी हेल्प करेगा। कोबरा वोबरा हुआ ना, मैं कुछ करने नहीं वाला, तू ही कर रहा है। मेरे को बता, कुछ हेल्प चाहिए तो डर मत, तू मैं है तेरे पीछे, टेंशन मत। शिश शिश, सांप को सुनाई देता है पहला। ओ भाई, अरे क्या? अरे मेरे वजह से मैं देखा उस सांप को, वो तो मुझे खा जाता था। एग्जैक्टली, कितना बड़ा सांप था। थैंक यू बोल मेरे को। थैंक यू। ये लो ये लो। ये दूर 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 दूर। ये क्या बच्चों का स्कूल बैग यूज करता है रे तू? क्योंकि अभी भी स्कूल में जाता है क्या? हाँ, मैं 1st स्टैंडर्ड में हूँ, कक्षा 5वीं। इसमें किताबें वगैरह है क्या? दिखा मेरे को। नहीं, आप साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एक किताब है यहाँ पर, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। नहीं रहा मेरे को किताब, एक और एक किताब। वो भाई, अभी हम लोग इसको जाके फटाफट रिलीज करने को है ना, चलोगे ना साथ में? तू जा ना। ऑल द बेस्ट। नहीं तू जा ना, मैं हूँ पीछे से। अरे मैं पीछे से हूँ ना। पीछे से सांप आया तो तेरे को बताना पड़ेगा ना, तू डर जाएगा। तू किधर जा रही है पागल? उर्मिला, ये तू एक वन पीस है पूरे दुनिया में, मत जा। मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा फातू हूँ। चलो ब्रो, अभी मैंने इतनी तेरी मदद की, अभी तू मेरी मदद करेगा। यस सर। तो मेरे ना दोस्त का बर्थडे आ रहा है एंड मुझे उसको सरप्राइज करने का। अब तक तूने मेरे को बहुत मदद किया प्रैंक्स करने में, तो उसके साथ भी प्रैंक करने का। ये टाइम क्या चाहिए? सांप चाहिए, इग्वाना चाहिए, टारंटुला? नहीं यार, स्कॉर्पियन करते हैं। मैं खुद डरता हूँ। सबसे बेस्ट एक प्लीज, वो ब्लैक डॉग वाला करते हैं। ब्लैक डॉग? हाँ। अरे मैं मर जाऊंगा उधर। मेरे साथ नहीं करने का प्रैंक, दोस्त के साथ करने का है। फिर अभी क्या करेंगे? चीता करते हैं? अरे यार, मेरे को उसको एक कबूतर के साथ सरप्राइज करने का है। कबूतर? मेरा जो दोस्त है, हाँ, उसको कबूतर से डर लगता है। ओह शिट, ऐसे भी इंसान रहते हैं। तो उसको ना सरप्राइज में 10 कबूतर गिफ्ट। ठीक है, तो अभी अपने को एक चीज करना पड़ेगा। हाँ। मेरा एक पेट शॉप है, मतलब मेरा खुद का नहीं है। हाँ। मेरा पहचान वाला। तो वो पेट शॉप के अंदर अपन जाते हैं, वहाँ पे कबूतर होंगे जितने भी हो गए 10 20 30 15, अपन उनको लेते हैं, बाय करते हैं और फिर उसके बाद उनको अपन खाना पीना वगैरह मस्त एकदम करने के बाद वापस से रिलीज कर देंगे। हाँ, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये एकदम अच्छा हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था कि हम लोग एक बार प्रैंक करेंगे ना तो सब कबूतर को रिलीज कर देंगे। हाँ। यार मेरे को इसलिए अभिरूप बहुत पसंद है, इसके पास बस जाने का, बोलने का भाई ये चाहिए वो चाहिए, रेडी होता है हमेशा। सब मिल जाएगा तुमको, क्या चाहिए? टाइगर। तो उसके लिए मतलब थोड़ा सा मरना पड़ेगा मुझे। अभी अपना पूरा प्लान सेट हो गया है, अभी चलो चालू करते हैं। और एक चीज, हम लोग कबूतर को बिल्कुल हार्म नहीं करने वाले। Exactly. जब तक ये जिंदा है, ये कुछ मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक दुनिया के इस पूरे सृष्टि के अंदर कोई भी जानवर। अपराज की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ये कांड करने से पहले मुझे एक और इंसान से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओम का दूसरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा तीसरा बेस्ट फ्रेंड आउंच और मैं भी स्कूल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड बाय द वे, आई डोंट नो मेरे सब दोस्तों के नाम इतने अजीब क्यों है। ओम, आउंच ने ना मेरे को बहुत सालों पहले शाहरुख खान से मिलाया था। अरे यार। अगर अब तक ये वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो यार। तो उसका ना बहुत बड़ा उपकार है मेरे पे, और उस उपकार की वजह से मुझे उससे परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं किसी की सुनता नहीं। मैं डायरेक्ट प्रैंक। हाइपर मत हो जाना, मैं तेरे को एक प्लान बता रहा हूँ। ओम का बर्थडे आ रहा है एंड मैं उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। एंड सरप्राइज में मैं उसको 10 कबूतर के साथ प्रैंक करने वाला हूँ। 10 कबूतर मतलब क्या ये सॉफ्टवेयर है क्या? असली 10 कबूतर, कुछ भी। असली 10 कबूतर, रियल कबूतर, असली कबूतर। अरे आप सीरियस? अरे मैं इसके लिए तेरे को कॉल किया है पूछने के लिए कि कैसे क्या करूं, बिकॉज़ डूड तू उसको मेरे से ज्यादा जानता है। मैं बोलता क्या करने का, कुछ भी नहीं करना। अरे क्या कुछ भी नहीं करने का? व्हाट? कुछ भी नहीं करना। अरे तेरे को पता है, तेरे को आइडिया भी है उसका बैक स्टोरी कबूतर का, अपने को पाप लगेगा मत। अरे वो पाप वाप का बाद में देखेंगे, तू बता ना स्टोरी बता। अरे स्टोरी क्या है, बेसिकली उसके घर पे एक बार रेनोवेशन चल रहा था, लोगों ने वॉल पूरा निकाला था। हाँ। अब उन लोगों को किसी को भी पता नहीं था कि लाइक रेनोवेशन के टाइम में उधर कबूतर, बहुत सारे कबूतर अंदर घुस गए, वॉल के अंदर कबूतर घुस गए उसके घर के। ओह, नेस्ट वगैरह सब कुछ बनाया, फैमिली बन गया था उधर। हाँ। और फिर एक दिन ये रेनोवेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, ये आया रूम में अपने खेलने को, ऐसा नया रूम देखने को, तो उसने इधर उधर हाथ लगाना शुरू किया, ऐसा वॉल को ठक किया, तो 10-15 कबूतर उसके मुंह पे ऐसे उड़ गए डायरेक्ट के बॉडी पे आ गए। लिटरली बैटमैन का स्टोरी भाई बोल रहा है। तो बैटमैन का स्टोरी क्यों बता रहा है मुझे? गिरता है ना वो कबूतर, मैंने वो पिजन, मैंने वो प्रैंक तो होने वाला है भाई, मजा आने वाला है। ये तो अंडा दे दे, कबूतर के अंडे दे दे। मैं होने नहीं देगा, मैं उसको बता देगा। व्हाट डू यू मीन बता देगा? इतना भी बेस्ट फ्रेंड गिरी मत करा आउंच। तू मेरे को, मैं तभी तो लेस का पैकेट उसने लिया था मेरे हाथ से, तभी तो तू क्या कर रहा था? खुद का डब्बा खा रहा था तू, तभी तू उसको कुछ बोलेगा नहीं। अब मैं देख, मैं तेरे को ट्रस्ट कर, तू उसको कुछ बोलेगा नहीं। मैं बोल, अरे तो मेरे को ट्रस्ट मत कर, तू प्रॉमिस कर मेरे को नहीं करूंगा प्रैंक। आई सेड प्रॉमिस कर। प्रॉमिस का तो नहीं करेगा। ओके, प्रॉमिस मैं नहीं करूंगा। नहीं प्रॉमिस, स्वेयर वगैरह कुछ दिख रहा नहीं मेरे को, क्या ऐसा प्रॉमिस नहीं करता है बच्चा है क्या? ठीक है, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, मैं उसके साथ प्रैंक नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। देखा, प्रॉमिस किया तो तू और मैं, फिर बाद में तू और मैं। 100% उसके साथ मैं प्रैंक नहीं करूंगा। मैं YouTube वीडियो प्ले किया जिसमें खाली पिजन के उड़ने का आवाज था, और उससे भी फट गई थी। हम लोग उसको ये ब्लाइंडफोल्ड पहनाने वाले हैं और ये हेडफोन्स ताकि उसको कबूतर का आवाज ना आए। थोड़ी वेरी स्केर्ड, वो बालकनी में नहीं जाता पिजन के साथ। गाइस यार, हैप्पी बर्थडे चालू करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके ओके, या नाउ देयर, नाउ ओपन योर ब्लाइंडफोल्ड। Dude, what the hell? I can't get through that. Oh shit, I'm too scared. Dude, what's wrong with you? Happy birthday to you. Get this like. Happy birthday. प्रैंक हमारा सक्सेसफुल हो गया। एंड प्रैंक करने के बाद ऑब्वियसली हमने सब पिजन्स को एक एक करके हवा में छोड़ दिया, वो अपना चले गए उड़ने। अब बस एक चीज करना बाकी था। ये तेरे लिए गिफ्ट भी है, तेरे को बहुत पसंद आएगा। कुछ नहीं, इसमें लेस का पैकेट है ग्रीन कलर का, याद है वो? मैं अभी तेरा बर्थडे गिफ्ट मैं ओपन करूँ क्या? तो लगता है इसमें पिजन होगा क्या? अरे इसके भी थैली में सुन 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 कुछ नहीं कर रहा मैं, इधर रख रहा हूँ बीच में, ले ले ले, ट्रस्ट कर मुझ पे। अरे अरे गिफ्ट है। मेरे भी घर पे ना एक प्राणी है, 8 महीने से मेरे घर पे एक प्राणी है, उसका कुछ कर सकते हैं क्या? रिलीज करते जंगल में। हाँ मैं भी मार खाऊंगा, तुम भी मार खाओगे।